सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। यूपी के बदायूं में बेरहमी से की गई दो मासूम बच्चों की हत्या से हर कोई सदमे में है। बीते दिन मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उससे मुख्य आरोपी साजिश के हैवानियत भी उजागर हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आयुष और आहान के शरीर पर धारदार हथियार से दर्जनों बार वार किए गए हैं। आरोपियों ने जघन्य तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। जिस किसी ने भी घटना स्थल पर जाकर उस मंजर को देखा उसके होश उड़ गए। सूत्र के अनुसार दोनों बच्चों आयुष और आवाहन का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया गया है। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम में बड़े बच्चे आयुष के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। आयुष के गले के साथ साथ हाथ, सीने, पेट पर भी घाव मिले हैं। वहीं छोटे बच्चे आहान उर्फ हनी, जिसकी उम्र महज 6 वर्ष थी, उसके शरीर पर 11 घाव मिले हैं। दोनों बच्चों की मौत की बजाय उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से आए गहरे घाव से हुई है। कल यानी 20 मार्च हत्यारोपी साजिश का भी पोस्टमार्टम किया गया है। गोली लगने से उसकी मौत की पुष्टि हो गई है। साजिश मासूम की हत्या का मुख्य आरोपी था। घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में साजिश मारा गया। गौरतलब है कि बदायूं डबल मर्डर केस में पुलिस की तफ्तीश जारी है। हत्यारोपी साजिश को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद अब पुलिस को दूसरे आरोपी जावेद की तलाश है। जावेद की खोजबीन ने पुलिस बीती रात कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जावेद के पिता और चाचा से पूछताछ की गई। साथ ही जावेद के करीबी दोस्तों के घर पर भी छापेमारी की गई। फिलहाल बदायूं पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस ने करीब आधा दर्जन टीमों के साथ उसको खोजबीन कर रही है। हालांकि अभी तक जावेद का कोई सुराग नहीं मिला है, ना ही पुलिस दो मासूम की निर्मम हत्या की वजह तलाश पाई है। अधिकारियों का यही कहना है कि जावेद के पकड़े जाने के बाद ही असलियत सामने आएगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।